सिद्रा महक और आप देख रहे हैं जेड टीवी न्यूज 24। होली के त्यौहार पर मिलावट खोरी को रोकने को लेकर कई स्थानों पर की गई छापेमारी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में खाद्य विभाग की टीमों द्वारा 40 दुकानों पर छापामार कार्रवाई कर 52 सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा। सिंथेटिक मावा और नकली मिठाई कराई गई नष्ट। रंगों के पर्व होली पर मुनाफाखोर अपने उद्देश्य में सफल न हो, इसको लेकर मुरादाबाद में खाद्य विभाग की टीम के द्वारा छापामार कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत टीम के द्वारा 12 मार्च से अभियान शुरू कर दिया गया है। टीम छापामार कार्रवाई कर नकली मावे और सिंथेटिक मिठाइयों को नष्ट कर रही है। खाद्य एवं औषधि विभाग के अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि विभाग के द्वारा 50 से अधिक दुकानों पर छापामार कार्रवाई की गई है, जिसमें टीमों ने संदिग्ध मावे को भी जब्त किया गया है, मिठाइयों को जब्त किया है जिसे नष्ट कराया गया है। साथ ही मिलावट खोरी के शक में जांच के लिए सैंपल को लखनऊ प्रयोगशाला भेजा जाएगा। अगर सैंपल में गड़बड़ी पाई जाती है तो मिलावट खोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जेड टीवी न्यूज 24 मुरादाबाद से संवाददाता अशरफ अली की रिपोर्ट। देखिए, होली के त्यौहार पे आम जनमानस जो है हर चीज़ का, उसका खास करके मिठाइयों का कंजप्शन बढ़ जाता है। होली मौके पर लोग स्वयं यूज करते हैं और अपने रिश्तेदार या परिचित या मित्रों को देते हैं। उसी के तहत विभाग द्वारा दिनांक 12 मार्च से एक विशेष अभियान आयुक्त महोदय के आदेश पर और जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों को चलाया जा रहा है। अब तक हमारी जो खाद्य सुरक्षा विभाग मुरादाबाद की टीम है, उसके सचल दल ने 12 तारीख से प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करना शुरू कर दिया गया है और लगभग 40 प्रतिष्ठानों का हम लोगों ने निरीक्षण किया है सूचना के आधार पर, और करीब 52 सैंपल अभी तक कलेक्ट किए गए हैं, जिसमें हमको सबसे बड़ी सफलता मिली ठाकुर द्वारा कस्बे में बिलारी रोड पर। ये सूचना मिली थी कि यहाँ मॉर्निंग में टेम्पो से सप्लाई होती है सिंथेटिक मावा की। हमारी टीम ने घेराबंदी करके उसको परसों जो है पकड़ा था और करीब 2.5 क्विंटल मिठाई नष्ट कराई थी। इसके अतिरिक्त रामपुर दौराहे के बहुत ही सब स्टैंडर्ड और बेसिक मिठाई तैयार की जा रही थी, वहाँ भी हम लोगों ने कटकर पुलिस दल के साथ कार्रवाई की और कार्रवाई के दौरान लगभग 711 केजी मिठाई जो कि बिल्कुल अनहाइजीन कंडीशन में बन रही थी, उसका हम लोगों ने सैंपल लिया और जाँच के लिए भेजा है। तथा मौके पर चुकी मुखाने लोग नहीं थे तो उसको नष्ट कराया गया। इसके अतिरिक्त हमें जो भी हमारी कंप्लेन से चाहे कंप्लेन से है वहाँ से भी सूचना प्राप्त हो रही है या आम जनता से भी सूचना प्राप्त हो रही है, वहाँ पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। मेरी जनवादियों से यही इच्छा है कि इस होली के अवसर पर आप जो भी खाद्य सामग्री खरीदें तो उसकी एक प्रथम दृष्टया स्वयं जाँच कर लें, देख लें कहीं उसमें रंग तो ज़्यादा नहीं पड़ा हुआ है, एल्युमिनियम फॉइल की जगह कोई और फॉइल को यूज हो रहा है, रंग की मात्रा जो है वो 100 ppm से अधिक न हो, इसके अलावा रंगीन कचरी पापड़ इन सब चीज़ों से बिल्कुल परहेज करें क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, इन सब चीज़ों से परहेज करें।